हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे फंक्शंस एंड ग्राफ की बात करेंगे। तो फंक्शंस एंड ग्राफ का यूज हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल्स, सेवरल वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंसबिलिटी की बात करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग जब कंटिन्यूटी डिफरेंसबिलिटी हमें चेक करना होगा, तो अगर आपको ग्राफ अच्छे से अप्रोच अगर आप कर पाते हो, बेसिकली जो ग्राफ है अगर आपको अच्छे से आता है, तो जो आप थ्योरेटिकल उसको सॉल्व करोगे, तो आप जब उसको ग्राफिकल अप्रोच करोगे, जैसे अपन थ्योरेटिकल सॉल्व कर रहे हो तो 1 से 2 मिनट्स का आपके पास टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप उसको ग्राफिकल अप्रोच कर पाओगे तो वही क्वेश्चंस आपका 30 सेकेंड्स में आपको सॉल्व दे देगा। वो पूछेगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो आप जैसे ग्राफ उसको बना लोगे ऑटोमेटिक आप उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने हम लोग प्ले विथ ग्राफ के मैक्सिमम जितने हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम उन सारे ग्राफ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हम लोगों ने 3D का ग्राफ बताया है आपको, और 2D के जो थोड़ा बहुत ग्राफ बताया था, तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडीशंस क्या है, फंक्शंस की कंडीशंस क्या होती है, कैसे हम लोग कब जानेंगे कि हमारा फंक्शंस है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। रियल वैल्यू होनी चाहिए, और सिंगल वैल्यू का मीन्स यहाँ पर क्या है, सिंगल वैल्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि ड्रा दी लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रा करो, और अगर वो लाइन जो है आपको कट करती है, कहाँ पर कट करे, कट एट ओनली वन पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट पर कट करती है, तो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका फंक्शंस रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बेसिकली आप लोग जानते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस आपके पास है, अरे आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कोई यहाँ पर बेसिकली एक ग्राफ बनाया, ऐसे कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ड्रा किया, और जब मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किया तो आपके पास कितने पॉइंट्स पर कट किया, ओनली वन पॉइंट्स पर कट किया, तो आपका ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओनली वन पॉइंट्स पर कट करना चाहिए, देखिए यहाँ पर मेंशंस किया गया है कि ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर कट करेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे इसी ग्राफ में अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया ग्राफ, ऐसा कुछ, देखिए इसी ग्राफ में बताता हूँ अपन को, ऐसे मैंने एक ग्राफ बना दिया, एक कर्व मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, और मैंने कहा क्या ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा जिस कर्व को मैंने ड्रा किया है। तो बेसिकली आप इधर ड्रा करोगे तो कहोगे हाँ ओनली वन पॉइंट पर कट किया, जैसे आप इसके आगे जाओगे हर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स पर कट करने लगा, इसके आगे जाओगे तो भी अपने पास, इसका मतलब हर जगह हर पॉइंट पर कोई भी अपन कर्व बनाओ, जैसे ऐसे आपके पास कर्व है तो हर जगह आप चेक करो तो एक ही पॉइंट पर वो कट करे, कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट्स पर कट करना चाहिए। तो ये आपके पास देखिए ये वाला कर्व है, आपके पास 3 पॉइंट्स पर कट कर गया, इसका मतलब वो फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब ग्राफ सीखते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास फंक्शंस की डेफिनेशंस थी, ठीक है, चलो। चलिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व ऐसा है, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - x² ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशंस गिवन है कि y जो है आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 0 गिवन है, ठीक है। अब इसका आप उनको ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ आप कैसे अप्रोच करोगे, तो इसके ग्राफ को बेसिकली हम लोग बिल्कुल 1 by 1 स्टेप सीखेंगे, ठीक है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे बेटा इसका स्क्वायरिंग करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा y² विच इज इक्वल टू 1 - x² होगा या नहीं होगा, बिल्कुल यस, ओके। तो अगर हम लोग इसको शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा आपके पास सर्किल की इक्वेशंस, ये x² y² विच इज इक्वल टू 1,
आपको यह क्या रिप्रेजेंट कर गया, ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर गया। तो सबसे पहले सर्किल का ग्राफ तो सबको पता है कि सर्किल का ग्राफ हम लोग बनाते कैसे हैं, तो आप बिल्कुल बेहिचक सर्किल का ग्राफ बना दो। तो चलिए ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, रेडियस इसकी 1 है, सेंटर इसका 0 0 है, ठीक है। तो ये भी एक सेंटर क्या है इसका 0 0 होता है यहाँ पर। अब इसका आप ड्रा कर लो बेसिक। तो देखो ये आपके पास एक सर्किल बन गया। अब ये सर्किल बन गया सर, ये तो सर्किल आपने बना दिया, सर्किल की इक्वेशंस क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 है। बट मेरे को क्या ड्रा करना, मेरे को तो इसको ड्रा करना है ना, जो ये गिवन है कि वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को ड्रा करना है। आप इसको कैसे ड्रा करोगे बेटा, इसको ड्रा करने के लिए देखिए इन्होंने इस कंडीशंस का यूज़ बहुत बड़ा है। ये कंडीशंस आपकी ये कहती है कि जो आपके पास ये कर्व बनेगा वो कहाँ बनेगा, वाई की वैल्यू आपके पास वो क्या होनी चाहिए, या तो वो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ी हो, मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ज़रा हम लोग इस पर अप्रोच करना, देखिए ये कहा कह रहा है, इधर आपके पास बेटा क्या होता है, इधर आपके पास ये पॉजिटिव होता है, ये अपना पास x का नेगेटिव पोर्शन है, ये y का बेटा पॉजिटिव पोर्शन है, और ये नीचे वाला y का नेगेटिव पोर्शन होता है। ये क्या है, सेंटर है, 0 0 होता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि y जो होगा बेटा वो क्या होगा, ग्रेटर देन, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव आपको नहीं लेना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेटा इस नीचे वाले रीजन को मेरे को रिमूव कर देना, इस जो कर्व नीचे वाला है, जैसे बेटा इसको रिमूव करोगे आपके पास ये ग्राफ विल बी कम्प्लीट। तो बेटा किसका ग्राफ हो गया, ये आपके पास इसका ग्राफ कम्प्लीट हो गया। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए आपके पास ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग एक और ग्राफ इसी पर देख लेते हैं कि जब हमारे पास ग्राफ मान लीजिए यहाँ पर चेंज हो जाए, और इस बार इन्होंने क्या दे दिया हमारे पास, इन्होंने कह दिया कि y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास लेस देन, कि यहाँ पर दे दिया y इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दे दिया कि y जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब मेरे को इसको ग्राफ बनाना है, तो मैं अभी इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब जरा समझो बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारा वही फंडा है कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब बेटा स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ से भी ये सर्किल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये क्या हो गया, सर्किल को रिप्रेजेंट किया। तो जब बेटा ये सर्किल को रिप्रेजेंट किया, तो मैं यहाँ पर एक सर्किल बना दिया, मैंने क्या किया एक सर्किल यहाँ पर बना दिया। मान लीजिए आपके पास ये सर्किल कुछ ऐसा, थोड़ा सा सही से बना देते हैं अपन। देखो ये आपके पास सर्किल बन गया, ठीक है, ये आपके मान लीजिए आपके पास सर्किल बन गया, ठीक है, जो भी है रफली फिगर, ठीक है। अब जब बेटा ये आपके पास सर्किल तो बन गया, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। चलो अब आपने सर्किल तो बनाया, अब ये कंडीशंस क्या कहती है, ये कंडीशंस आपको बोल रही है कि वाई की जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, वाई की वैल्यू आपको 0 से, मतलब 0 से छोटा लेना है, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर वो बेटा 0 से छोटा होगा। इसका मतलब है बेटा ये तो क्या है, वाई का पॉजिटिव रीजन है, वाई का नेगेटिव रीजन है, मतलब पॉजिटिव तो मुझे लेना नहीं है। तो जब बेटा इसको पॉजिटिव लेना नहीं है, तो मैं ऊपर वाले रीजन को रिमूव कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको रिमूव किया, तो बेटा यहाँ से आपके पास जो ग्राफ बचा, जो कर्व आपके पास मिला, वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर गया, इस आपके पास जो आपके पास फंक्शंस गिवन था उसका ये ग्राफ आपके पास मिल गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका हो गया, आप इसका नेमिंग कर सकते हो, ये क्या है आपके पास वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 का ग्राफ है, डन। अब फिर से अगर मेरे को बनाना है, मान लीजिए इस बार बेटा कुछ ऐसा दे दे, क्वेश्चन सी बदल दिया जाए,
ग्राफ ही बदल दिया जाए मेरे को, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। थर्ड आपके पास जो आता है यहाँ पर, देखिए बेसिक हम लोग कर लेते हैं कि अगर आपके पास आ जाए बेटा कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस बार आपके पास कोई भी कंडीशंस नहीं गिवन है, एनी कंडीशन कोई भी नहीं गिवन है कि वो क्या होगा, आपके पास ग्रेटर देन के लिए बोल रहा है या फिर लेस देन के लिए बोल रहा है। तो जब कोई भी कंडीशंस नहीं बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका स्क्वायरिंग करेंगे, और जैसे बेटा इसका हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन, ये भी आपको एक सर्किल को ही रिप्रेजेंट कर गया। जब ये आपके पास इस सर्किल को रिप्रेजेंट किया तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाए, तो आप आसानी से इसको एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लो, है ना, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और बेटा आपके पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपको एक सर्किल बनाना है तो सर्किल आप आसानी से ड्रा कर लो, ये आपके पास सर्किल बन गया, तो ये इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। क्योंकि इस बार ये दोनों रीजन हम लोग लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन हमें नहीं दिया था कि मुझे ग्रेटर देन के लिए लेना है या फिर लेस देन के लिए लेना है, जब कुछ नहीं गिवन है तो हम कंप्लीट यहाँ पर सर्किल लेंगे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक बातें हो गई, सर्किल की बातें तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोग अप्रोच करते कैसे हैं, ओके। तो आपके पास इसका ग्राफ का नाम कर लिख लो, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अगर यहीं पर ये प्लस माइनस कुछ भी दिया होता, प्लस भी दिया होता, आपके पास कंडीशन नहीं देता, है ना, तो जब नहीं देता कुछ तो अपन को ऐसे ही करना पड़ता, प्लस माइनस दोनों केसों के लिए आपके पास यही मिलेगा, प्लस माइनस कोई भी होगा आपके पास यही कंप्लीट सर्किल ही मिलेगा। अगर वो लिख देता है कि वाई लेस देन या फिर वाई ग्रेटर देन, तो आपको देख लेना है कि वाई ग्रेटर देन की कौन सी केस बन रही है, लेस देन के लिए कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पर डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन और रेंज। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, यस या नो, ओके। चलो डोमेन और रेंज, अब बेटा डोमेन और रेंज की हम लोग बात करेंगे तो डोमेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, थ्योरेटिकल और ग्राफिकल अप्रोच करेंगे, थ्योरेटिकल और ग्राफिकल। यहाँ पर हमारे पास दो होंगे, थ्योरेटिकल ग्राफिकल, ओके। तो जो थ्योरेटिकल और ग्राफिकल, तो यहाँ पर जो हमें अप्रोच करना हो कैसे अप्रोच करना, तो थ्योरेटिकल ग्राफिकल में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो थ्योरेटिकल तो आप समझना, हम लोग फंक्शन से ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ की ही बात करेंगे, तो ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे डोमेन रेंज चेक करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, डोमेन देखेंगे कैसे। तो डोमेन के लिए आपको करना क्या है बेटा, डोमेन और रेंज, देखो बेटा जो डोमेन हम लोग देखेंगे कहां से देखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे, कहां से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे, और जो रेंज देखेंगे वो बॉटम से टॉप की ओर देखेंगे, बॉटम टू टॉप, ठीक है। चलो बेटा तो ये हम लोगों ने बात कर लिया कि सर हम लोग डोमेन कहाँ देखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे, और रेंज कहाँ देखेंगे, बॉटम टू टॉप। अब कैसे समझते हैं क्या है लेफ्ट क्या है राइट, है ना, क्या है बॉटम क्या है टॉप। अब देखिए जैसे हमारे पास एक कोई कर्व है, ऐसा कुछ है,
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यह बेटा हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, आपके पास ये क्या है टू है, इधर आपके पास गिवन है माइनस का, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं माइनस का वन, और इधर अपन ले लेते हैं फाइव। चलो बेटा अब अगर हम लोगों को ऊपर भी हम लोग यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, देखिए ये वन है, इसके सामने, इसके सामने फाइव है, और इधर इसके ऊपर मैं यहाँ पर सेवन ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है। अब बेटा मुझे यहाँ पर बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं डोमेन क्या होगा। तो डोमेन हम लोग देखेंगे बेटा क्या होगा, यहाँ से डोमेन के लिए हमने क्या बताया था, देखो ये डोमेन लेफ्ट टू राइट, क्या बताया है, लेफ्ट से राइट, ये इसका लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है, तो लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से देखो डोमेन क्या है, माइनस वन से फाइव तक ही तो है, ये माइनस ये इसी के सामने है जस्ट, या तो आपको थोड़ा सा आगे दिख रहा होगा, आई होप इसको इधर लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से जो डोमेन दिख रहा है ये कहाँ से दिख रहा है, वन से क्लोज इंटरवल माइनस वन से फाइव के बीच दिख रहा है, आर यू क्लियर, यस या नो, ओके। चलो अगर बेटा रेंज की बात करें तो रेंज आपको कहाँ दिख रहा है, रेंज आप देख लो बॉटम से टॉप की ओर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको, बॉटम से टॉप की ओर दिख रहा है। तो बॉटम आपके पास यहाँ पर क्या है और टॉप आपके पास क्या है, जरा ये हम लोग समझते हैं कि बॉटम से टॉप की ओर बात कर रहा है। यहाँ पर इसके मैंने पॉइंटिंग इसको भी लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ वन है, ठीक है, अरे क्लियर, ऐसा मैंने यहाँ पर ले लिया, ये पॉइंट यहाँ पर और ले लिया है। अब मुझे बॉटम से टॉप देखना है, तो ये देखो अगर ध्यान से समझो तो इसको मैं थोड़ा सा लाइनिंग करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, एक समझ जाओगे तभी समझने लगोगे, ठीक है, ये ऐसा, ये इधर वाला ऐसा था, मान लीजिए बेसिकली ये सेवन ऐसा ही था, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है तो इसको यहाँ पर कर लेना, ठीक है। चलो और इधर से अपन देखा तो ये ऐसा, ठीक है, इधर से आपके पास ये है। तो डोमेन्स के लिए आपने देखा तो लेफ्ट से राइट की ओर देखा, लेफ्ट से राइट, तो क्या दिखा, क्लोज इंटरवल माइनस वन से फाइव दिखा, ओके। अब हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं बेटा, तो रेंज हमें कहाँ से कहाँ दिख रहा है, तो रेंज देखो यहाँ से माइनस वन से सेवन के बीच दिख रहा है, तो रेंज आपके पास क्या हो जाएगा, वन से सेवन हो जाएगा इंटरवल, क्लोज इंटरवल आएगा। अब जरा समझते हैं बेटा ये क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल में हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए एज ए पॉइंट हम लोग लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वन और सेवन पॉइंट्स है, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है बेटा, दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस पॉइंट क्या है। एक हमारे पास सेमी ओपन में ले लेता हूँ, सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो दो से अभी इतने से समझ जाओगे आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर डोमेन की, देखिए इस इंटरवल का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग वन और सेवन को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब इसके बीच जो पॉइंट आ रहे हैं वो कौन से पॉइंट आ रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर्स की बात करोगे तो टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, फाइव आ रहा है, सिक्स तक लोगे, ना तो आप वन को इंक्लूड करोगे और ना ही आप सेवन को इंक्लूड करोगे, ठीक है। इसका मतलब इसके इंटरवल के बीच इतने पॉइंट आएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बट अगर इस इंटरवल की बात करेंगे तो आप इसको भी इंक्लूड करोगे, इसको भी इंक्लूड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों को इंक्लूड किया, यहाँ पर भी दोनों को इंक्लूड किया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, पूरे के पूरे पॉइंट आएंगे, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, आर यू क्लियर, यस या नो, ओके। चलो बेटा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे बट इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपन लगा है, यहाँ पर क्लोज लगा है, इसका मतलब इसमें अगर जो पॉइंट्स आएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तक आएंगे,
अगर यहीं पर सेमी क्लोज कर देता तो क्या करते, इधर क्लोज लगा देता इधर ओपन, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राफ की ओर, तो सम फंडामेंटल हम लोग फंक्शंस देखते हैं। तो चलिए इतना आप लोग सीख गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम लोग बात करेंगे अब सम फंडामेंटल फंक्शंस की बात करेंगे। तो सम फंडामेंटल फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, कांस्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शंस में आपके पास जैसे y इज इक्वल टू के, मैं जनरल लेके चल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू के का मेरे को ग्राफ बनाना है। तो y इज इक्वल टू के का बेसिकली आप ग्राफ बनाओगे कैसे, ये क्या है आपके पास कांस्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। तो चलिए पहले y इज इक्वल टू के का सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस होता है, सबको पता है ना। अब देखिए यहाँ पर वाई इज इक्वल टू के जो होगा वो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, क्या होगी, इस एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। तो y इज इक्वल टू के डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस की दूरी पर, के डिस्टेंस की दूरी पर आपको लाइन ड्रा करना है। तो मैं y एक्सिस से पहला लाइन ऐसे मान लीजिए मैंने ड्रा कर दिया, ये लाइन का नाम क्या है बेटा, y इज इक्वल टू के है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो के है, ये आपके पास जीरो जीरो होता है, सबको पता है। अब बेटा ये तो इसका ग्राफ बन गया, ये कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ बन गया। अब देखिए इस के स्थान पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, के कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपको y इज इक्वल टू टू का ग्राफ दे दिया जाए कि बेटा मेरे को y इज इक्वल टू टू का ग्राफ बना दो, तो सबसे पहले इसकी डोमेन रेंज की बात करते हैं फिर इसको बताते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इसका डोमेन जो देख रहे हो आप, इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन कहाँ से कहाँ दिख रहा है, इधर देखो माइनस इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर आपके पास प्लस इन्फिनिटी, ऊपर आपके पास प्लस इन्फिनिटी होता है, नीचे अपना वाई एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका जो डोमेन होगा कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा, तो आप बोल दोगे कि सर यहाँ से देखिए इधर से इस चला जा रहा है, इधर कई आगे बहुत आगे पॉइंट तक है, यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं किया गया है, ये ऐसे बढ़ती चली गई है, ठीक है इन्फिनिटी से। तो इसका डोमेन जो होगा वो कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर। क्यों सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो हम लोग डोमेन चेक करेंगे वो कहाँ से चेक करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चेक करेंगे, और जो रेंज चेक करेंगे वो बॉटम से टॉप की ओर देखेंगे, बताया था। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की ओर देख रहा हूँ, तो लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी से आ रहा हूँ, राइट में प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ, इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा। और जब भी इन्फिनिटी की केस आएगी तो वहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, क्या लगेगा, ओपन ही लगेगा, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपके पास यहाँ पर एक सिंगलटन पॉइंट आ रहा है, नत इधर आ रहा है, नत इधर आ रहा है, ओनली इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं सिंगलटन लगा देता हूँ, ये इसका रेंज हो गया, ठीक है बेटा। अब जैसे ये तो आपके पास आपने सीख लिया, अब इसके अतिरिक्त मान लीजिए जनरल मैंने बताया, अगर आपको यहाँ पर बनाना हो कि सर y इज इक्वल टू टू को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसको अभी मैं सिखाता हूँ। देखिए बेटा जब हम लोग y इज इक्वल टू टू का ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू के का तो मैंने बता दिया, अब टू की बात करते हैं, तो वही सेम फंडा है। आप सबसे पहले x और y एक्सिस तो बना लो। तो देखिए बेटा ये आपके पास x एक्सिस है और ये बेटा आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू के लिए k की कुछ भी वैल्यू अपन के पास आ जाए, 1, 2, -2, 3, 4, ठीक है, आपके पास कहाँ बनेगा, x एक्सिस से पैरेलल लाइन ही बनेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 है, पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, अगर यहीं पर नेगेटिव आ जाता तो यही ग्राफ नीचे बन जाता, क्योंकि y का नेगेटिव पोर्शन तो इस जीरो से नीचे ही मिलेगा ना, इस सेंटर से, इससे नीचे ही तो मिलेगा ओरिजिन से, ठीक है। चलो बेटा इसका मतलब ये क्या होगा, ये y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पैरेलल लाइन हो जाएगी, किसके पैरेलल बनाना है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाना है, ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। आर यू क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये क्या हो गया y इक्वल टू 2 लाइन हो गया, आपने इसको बना लिया। अगर यहीं पर वो ग्राफ बदल देता, अक्सर वो बोल देता
कि एक्स इक्वल टू टू को बना लो, तो जब वो एक्स एक्सिस के लिए बोलेगा एक्स इक्वल टू टू तो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाना है, और जब वो बोलेगा कि वाई इक्वल टू टू तो सॉरी जब वो बोलेगा एक्स इक्वल टू टू तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाना है, और जब वो आपसे बोलेगा कि वाई इक्वल टू टू तो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाना है, कितने डिस्टेंस की दूरी पर, जितना वहाँ पर दिया होगा डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर टू दिया है, यहाँ पर टू था तो मैंने टू डिस्टेंस की दूरी पर उसको लाइन को ड्रा कर दिया। जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू टू मेरे को ड्रा करना है तो देखो मैं कैसे ड्रा करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दूंगा, दिया एक्स इक्वल टू टू मिल गया। अब यहीं पर अगर वो आपके पास कह देता कि सर मेरे को ये भी नहीं ड्रा करना है, अब मेरे को यहाँ पर बता दो कि एक्स इक्वल टू माइनस टू या एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कैसे ड्रा करें, तो मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ। अभी फिर से करना कहाँ है, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री मतलब है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ही ना, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ही बनेगी, बट कहाँ पर माइनस थ्री इसके लेफ्ट में बनेगी, तो ये एक्स इक्वल टू माइनस थ्री हो गया। यहाँ पर अगर वाई इक्वल टू माइनस टू कर देता तो आप इधर नीचे ड्रा कर देते, क्लियर है, ओके। चलो अब हम लोग ये लीनियर फंक्शंस की बात करते हैं। सर लीनियर फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाए, ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शंस था, अब लीनियर फंक्शंस की बात करते हैं। लीनियर फंक्शन तो लीनियर फंक्शंस में हम लोग जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, ठीक है, या y इज इक्वल टू टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री हो गया। तो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी मैं y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस एक्स के बारे में बताता हूँ। तो देखिए आपके पास ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है, आर यू क्लियर। अब मेरे को सबसे पहले वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रा करना है, ये कौन सी लाइन है, लीनियर फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ जो होगा, देखिए हम लोग एंगल बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो जो आपके पास इक्वेशंस होती है y इज इक्वल टू mx होती है, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है या नहीं है, आर यू क्लियर, है। इसका मतलब ये क्या है, प्रवणता जिसे हम लोग बोलते हैं, ये m क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू 1 होती है। अब जब बेटा ये m की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब यहाँ से आपको कुछ समझ में आया, m क्या होता है आपके पास tan थीटा होता है, स्लोप होता है, यहाँ से क्या हो गया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है टेन में, 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से टेन थीटा हो जाता है टेन 45, तो यहाँ से जो थीटा आता है बेटा वो कितना आ जाता है 45 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना, यस या नो। इसका मतलब जो अभी मैं लाइन ड्रा करूँगा वो कितने एंगल पर ड्रा करूँगा, 45 के एंगल पर ही ड्रा करूँगा। चलिए अब ड्रा कर लेते हैं अपन, इतना सीख गए हैं तो, है ना। चलो इसको यहाँ से ऐसे 45 तो सब जानते हो ड्रा करना, यही देखो यहाँ से एंगल देखो, इधर से भी देखो, इधर से 45 पर दिख रहा है, यही है आपके पास y इक्वल टू एक्स लाइन, और इसके बीच का जो एंगल होता है 45 का होता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि y इक्वल टू एक्स मेरे को ड्रा कर दो, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही ड्रा कर देना y, ये तो मैंने बताया कि एंगल इसके बीच का यहाँ पर क्या है, ये 45 है, ठीक है, आर यू क्लियर। अब बेटा मेरे को यहाँ पर बताना है किसका आपके पास क्या बताना है, डोमेन और रेंज की बात करना है। तो इसका डोमेन क्या होगा वो देख लेते हैं बेटा, यहाँ से जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन अगर हम लोग देखें तो देखिए मैं लेफ्ट से इधर से चला जाता रहा हूँ, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी है, इधर आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, ऊपर आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, नीचे माइनस इन्फिनिटी है। तो डोमेन देखो बेटा इधर से चलते, इसको जैसे लाइन बढ़ाते जाओगे तो ये आपके पास इधर भी तो बढ़ता जाएगा, और इधर को ऐसे आगे बढ़ाते जा रहा हो तो इधर भी तो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब डोमेन कहाँ आ रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को टेंड जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, लेफ्ट से राइट अगर हम लोग अप्रोच देख रहे हैं तो। अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो बॉटम से टॉप की ओर, बॉटम ये हो गया, टॉप ऊपर हो गया, है ना।
तो बॉटम से टॉप अगर आप देख रहे हो बेटा, तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, ये तो इधर भी बढ़ रहा है ना, इधर लाइन इधर भी बढ़ रहा था और नीचे भी तो जा रहा है, ऐसे इधर इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो ऊपर भी तो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो रेंज मिल रहा है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर दिख रहा है ना, यस या नो? ओके चलो, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा आई होप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर दिख रहा है, तो इसका रेंज हो गया और ये इसकी डोमेन हो गया और ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया। तो जब भी आपके पास लीनियर फंक्शंस का ग्राफ पूछेगा, वाई इक्वल टू एक्स ड्रा करना होगा, आपको ऐसे ड्रा करना है। अब जरा हमें देखना है कि बेटा वाई इक्वल टू माइनस एक्स कैसे ड्रा करते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वाई इक्वल टू माइनस एक्स, चलिए बेटा अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि y इक्वल टू माइनस एक्स को ड्रा करना है। तो अभी y इक्वल टू एक्स को ड्रा किया था, y इक्वल टू माइनस एक्स ड्रा करना है। तो देखिए सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे, है ना, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, उसी के बाद हम लोग तो बातें करते हैं। तो ओके चलो, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया बेटा, अरे बेटा आपके पास वाई एक्सिस हो गया, है ना, अरे क्लियर, यस या नो? ओके, अब देखो y इक्वल टू माइनस एक्स को बनाना है, तो y इक्वल टू एक्स आपने इधर बनाया था, अब y इक्वल टू माइनस एक्स इधर बनाओगे, क्यों बनाओगे बेटा? क्योंकि यहाँ पर एंगल जो आएगा 135 आएगा, या में की वैल्यू क्या होगी, स्लोप जो होगा माइनस वन होगा, और टेन में माइनस वन किसकी वैल्यू होती है, 135 की वैल्यू होती है ना, 135 की वैल्यू होती है, और उसमें 45 ऐड कर दो तो 180 हो जाता है। कैसे, ज़रा समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं तो फिर हम लोग करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, है ना, यस या नो? तो यहाँ पर देखिए वाई जो कूड़े अगर एम एक्स से हम लोग कंपेयर करें बेटा, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, और एम क्या होता है, टेन थीटा होता है स्लोप, और यहाँ से किसकी वैल्यू होती है, टेन, 135 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से जो थीटा आएगा बेटा 135 डिग्री आता है। अब जो ये 135 डिग्री आता है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये लाइन होगी वो कहाँ होगी, यहाँ से अपने पास ये क्या है, सेंटर है, 0 0 है, इससे 135 डिग्री के एंगल पर होगी। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे ड्रा हुई होगी, यहाँ से अगर देखोगे कितने का आएगा, यहाँ से 135 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा, आर यू क्लियर? और इधर देखिए यहाँ से अपन देखोगे तो ये 135 डिग्री का बन रहा होगा, और इधर ये क्या है, 45, जो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल 180 का आ जाता है। तो ये इसीलिए आपके पास जो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है वो इधर से ड्रा होती है, आर यू क्लियर? इसको मैं इधर से रफ कर दे रहा हूँ, इसका यूज नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ड्रा कैसे होती, आता कैसे है, चीज़ें हो क्या रही हैं हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपके पास y इक्वल टू माइनस एक्स का, और जब y इक्वल एक्स ड्रा करना होगा तो इधर से ड्रा कर देंगे। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसका भी डोमेन रेंज देखोगे तो वही दिखेगा माइनस इन्फिनिटी से, है ना, इधर देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट से राइट देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर, डोमेन देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो सब कुछ सेम है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पैराबोलिक फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पैराबोलिक फंक्शंस देख लेते हैं, इसका समझ में आ गया ये बातें, अब हम लोग देखते हैं पैराबोलिक फंक्शंस। तो पैराबोलिक फंक्शंस में आपके पास चार टाइप के आएंगे, बेसिकली दो टाइप होते हैं उसका चार हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे, अगर आपके पास वाई पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, या फिर आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax होगा, या फिर आपके पास होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, या फिर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay होगा, यही आपके पास चार टाइप्स होते हैं। अब इसको अगर हमें ड्रा करना है तो बेटा कैसे ड्रा करेंगे वो समझना है।
तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है कि जब हमारे पास वाई पी स्क्वायर होगा तो जो हमारा पैराबोला बनता है वो कहाँ बनेगा बेटा, वो हमारा एक्स एक्सिस पर ड्रा होता है, और जब हमारे पास एक्स पे स्क्वायर होता है तो जो हमारे पास पैराबोला ड्रा होता है बेटा कहाँ ड्रा होता है, वाई एक्सिस पर ड्रा होता है ना। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई है, एक्स एक्सिस है, प्लेन है हमारे पास, ओके okay? और देखिए आपके पास यहाँ पर अगर मेरे को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स को ड्रा करना है, इसका मतलब है कि बेटा वाई पी स्क्वायर है तो पैराबोला बेसिक है कि एक्स पर बनेगा, है ना। तो एक्स एक्सिस पर बनेगा, कहाँ से जाएगा, इसका सेंटर जो है जीरो जीरो होगा, तो कहाँ से पास होगा, यही तो है, ये जीरो जीरो से पास हो जाएगा, ये आपके पास हो गया, ये क्या हो गया, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स बन गया। अब जरा इसी पर समझना बेटा कि अगर मेरे को यहीं पर समझना है कि अगर मेरे को y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स ड्रा करना है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स हम लोग ड्रा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास अगर यहाँ पर हमें y एक्सिस के अबाउट क्या लेना पड़ेगा, मिरर इमेज लेना पड़ेगा। जब मैं इसके अबाउट मिरर इमेज लूँगा तो बेटा मेरे पास यही ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब ये क्या बन गया बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स का ग्राफ बन गया, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसको आप रिमूव दो, अब ये इसका ग्राफ आपको मिल गया, आर यू क्लियर, आपके पास इसका ग्राफ बन गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस फोर एक्स का ग्राफ हो गया, आर यू क्लियर, दो ग्राफ हमने आपको समझा दिया। दो और बचे हैं कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई होगा फिर हम लोग देख लेते हैं डोमेन रेंज इसका क्या होगा, ठीक है, अरे क्लियर, ओके डन, चलो सबको समझ में आ रहा है, यस या नो, ओके यस ओके। चलो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन हम लोग बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास बेटा वाई एक्सिस है, सबको पता है ना। अब देखिए मेरे को इसको बनाना है, पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई को ड्रा करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई मतलब एक्स पे स्क्वायर है तो पैराबोला बेसिक है कि वाई एक्सिस पर बनेगा, कहाँ से जाएगा, सेंटर जीरो जीरो से ही जाएगा, इसका मतलब है कि अगर ये वाई पर बनेगा तो ऐसे बनेगा, अरे क्लियर, ये ग्राफ आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। अब इसी में थोड़ा सा डोमेन रेंज देख लेते हैं, इसी प्रकार जो अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स का बनाया था वहाँ पर भी आप डोमेन रेंज देख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसका डोमेन देखोगे बेटा तो कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर दिख रहा है, ये आपके पास सेंटर है जीरो जीरो। चलो अब अगर हमें यहाँ पर डोमेन देखना है बेटा तो इसका डोमेन जो होगा आपके पास कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ओपन माइनस, अगर रेंज आप यहां से देखो बेटा तो ये कहां जीरो से स्टार्ट हो रहा है प्लस इन्फिनिटी की ओर चला आ रहा, तो जीरो पर क्या है क्लोज होगा, ठीक है, कहां जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ओपन हो जाएगा, ये तो मैंने इसके लिए बता दिया। अभी तो एक और बच्चा हमारे पास लास्ट जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई का मुझे बनाना है, तो जब बेटा मेरे को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई बनाना है माइनस का फोर ए वाई, तो आप इसको कैसे ड्रा करेंगे, तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ अब, ठीक है, और मेरे को क्या ड्रा करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर ए वाई। अब देखो बेटा अभी तो हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स जब किया था तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया था, अब जब मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई ड्रा करूँगा तो मैं अब क्या करूँगा एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूँगा, जब इसके अबाउट मिरर इमेज ले लूँगा तो सारा हमें पास नीचे दिखने लगेगा, कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, एक मिनट बेटा ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये अपन यहां से आएगा, अब जब आपने इसको बना ही दिया है तो अभी आपके पास ओरिजिनल जो वाला है उसको आप रिमूव कर दो, ये ओरिजिनल था इसको मैंने रिमूव कर दिया,
ये जो बना है हमारे पास ग्राफ, ये किसका बना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay बन गया। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अभी जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके आगे हम लोग बात करेंगे पैराबोलिक फंक्शंस के, आगे हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे, क्यूबिक की फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अगले वाले लेक्चर्स में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।